बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिहार के शहर सिवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज अमल में आ चुका है और अब सिवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर। सिवान में एक दैनिक अखबार के पत्रकार पर हुए हमले में दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार अम्बेडकर नगर निवासी प्रभुनाथ राम का पुत्र अभिजीत कुमार उर्फ मिश्र और अशोक कुमार के पुत्र प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि अपराधियों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक, अपराधी प्रवीण कुमार के द्वारा घटना के समय पहना गया ब्लू जैकेट, सफेद रंग का जूता बरामद किया गया है। सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले में तीन अपराधी शामिल थे, जिसमें दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जबकि एक अन्य फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अभिजीत कुमार मिश्र ने अपने बयान में बताया कि पत्रकार राजेश अनल से पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण अपने साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। गौरतलब हो कि 7 जनवरी को देर शाम दैनिक अखबार के महाराजगंज के पत्रकार राजेश अनल को अपनी दुकान से घर जाने के क्रम में महाराजगंज थाना क्षेत्र के मोहन बाजार के समीप बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया था, जिसमें पत्रकार राजेश अनल बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया। इस घटना के बाद अनुसंधान के लिए महाराजगंज एसडीपीओ पुलस्त कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने अनुसंधान कर दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, बाकी अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि दिनांक 7/1/23 को एक हिंदुस्तान के स्थानीय पत्रकार हैं महाराजगंज के राजेश अनल, उनको गोली मार के जख्मी किया गया था। बाद में उनका ट्रीटमेंट हुआ, अभी वे स्वस्थ हैं। तो यह पत्रकार का मामला था, इसको पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया था। इस संबंध में कांड दर्ज हुआ था जो महाराजगंज थाना कांड संख्या 6/23 से संबंधित है। पुलिस अनुसंधान करने के क्रम में घटना के आसपास, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि यह कांड अज्ञात दर्ज हुआ था, उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया था। तो पुलिस घटना के बाद जो प्राथमिकी दर्ज की, उसके बाद अनुसंधान प्रारंभ करने के क्रम में घटना के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया और जो इस तरह के अपराधकर्मी थी उनकी भी जांच की गई। तो इस क्रम में जो साक्ष्य मिला है उसके क्रम में इस घटना का उद्भेदन हो गया है। और इस घटना में जो अनुसंधान के क्रम में बात आई है कि राजेश सनन जब अपने दुकान से अपने घर की तरफ लौट रहे तो एक मोटरसाइकिल जो अभी रिकवर हुआ है घटना में, ये अभी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया, उसके पास ही उस मोटरसाइकिल पर तीन लड़के उनके पीछे पीछे आए और घटनास्थल पर उन पर गोली चलाई। उस घटना में शामिल दो लड़के गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटनाक्रम में जो इसने बताया है और जो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराया था, इसकी पूरी पुष्टि इसके बयान से भी और सीसीटीवी फुटेज से भी हो गई है। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनके जो घटना में जिस तरह का कपड़ा और जूता और मोटरसाइकिल पहन के घटना कारित की गई, वह कपड़ा, जूता और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना में शामिल कुल तीन लोग हैं जिसमें से दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। एक अभिजीत कुमार उर्फ मिश्र, पिता प्रभुनाथ राम, पुरानी बाजार महाराजगंज के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं प्रवीण कुमार, पिता अशोक कुमार, अम्बेडकर नगर पुरानी बाजार थाना महाराजगंज। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी उसके ठिकाने पर अभी भी छापामारी कर रही है और बाहर गई है। कुछ पता चला? अभी मैं बता ही रहा हूँ। तो इनसे जो पूछताछ किया गया है, इनका कहना है कि राजेश अनल जिसे वहाँ का कोई एक अपराधकर्मी है जो पहले से जेल में अभी बंद है, और उसके कारण उनसे कुछ किसी तरह की कोई उनसे पुरानी रंजिश है, उस रंजिश के आधार पर उसने इन लोगों को भेजकर उन पर गोली चलवाया था। तो यह भी जो इन लोगों ने बताया है इसकी भी जांच हम लोग करवा रहे हैं कि क्या वार्ता हुई थी और किस तरह की दुश्मनी थी। चूँकि जो कंप्लेनेंट है राजेश अनल जी, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था घटना के बारे में और कोई बात बताई नहीं थी, लेकिन इसने बताया है कि वह बहुत सारा बात बताया जो उनसे पुरानी दुश्मनी है और उसी के आधार पर यह उनको गोली चलाया। तो किस तरह जमीनी विवाद है आपसे? झड़प जमीनी विवाद नहीं है,
यह कुछ अनुसंधान के लिए आवश्यक है कि सारा बात हम आपको प्रेस के सामने में नहीं बता सकते, लेकिन आपको यही बता रहे हैं कि यह पुरानी रंजिश है और रंजिश के आधार पर एक उस क्षेत्र का एक अपराधकर्मी है जिसके बारे में बताया जाता है कि पहले से राजेश अनंत जी से उनका किसी तरह का कोई अच्छा रिलेशन था, बाद में फिर बुरा रिलेशन हो गया और उसमें बहुत सारा चीज़ बताया है। तो अभी हम उसको आधिकारिक तौर पर आप कुछ नहीं बता रहे हैं कि उसका वेरिफिकेशन कराना होगा और उस पर भी अनुसंधान करना। सर, ये लोग पैसे लेके गोली चलाए या नहीं? पैसे लेके गोली नहीं चलाया है, यह दुश्मनी के आधार पर गोली चलाया। सर, जो तीसरा अपराधी है वो सिवान का ही है या? हाँ, बिल्कुल सिवान का है और उसी क्षेत्र का रहने वाला, जो जिसके इशारे पे हुआ है वो सर जेल में। हाँ, अभी जेल में उसको होने की बात बता रहे हैं ये लोग। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो यह बताया है, क्योंकि कंप्लेनेंट साइड से घटना का कारण भी कुछ नहीं बताया गया, जो अपराधकर्मी इसको गिरफ्तार किया उन्होंने जो बात बताया है जो पुलिस के समक्ष, अब मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, उसके बाद ही ऑथेंटिक वे में यदि आवश्यकता हो कि मैं पुनः प्रेस रिलीज करके आप लोगों को बता दूंगा। वो किस लिए कर वह कई कांडों में वांछित? क्या नाम है? अब मैं बता रहा हूँ कि अभी अनुसंधान के दृष्टिकोण से सर कोई हथियार बरामद हुआ है? नहीं, हथियार बरामद नहीं हुआ। और ये सर दोनों नाबालिग है या बालिग है? अभी तो इनका उम्र जो ये बता रहे हैं उससे तो ये जुवेनाइल लगते हैं दोनों। हाँ, दोनों जुवेनाइल। क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्र ढाला, ओवरब्रिज के नीचे सिवान।